सर्दियों का मौसम शुरू होते ही अब एक बार फिर पत्ता गोभी यानी कैबेज चर्चा में है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें पत्ता गोभी खाने से एक 24 साल के व्यक्ति के दिमाग में कीड़े मिलने की बात कही जा रही है। ये कोई नया मामला नहीं है, हर साल सर्दियां आते ही ऐसी खबरें आने लगती हैं। इस वीडियो में हम इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि क्या पत्ता गोभी में कीड़ा होता है और दिमाग में कीड़ा मिलने वाली बीमारी कितनी खतरनाक है। क्या पत्ता गोभी में कीड़े होते हैं? पीजीआई चंडीगढ़ के डीएम पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित धवन का कहना है कि दिमाग में कीड़े यानी न्यूरोसिस्टिक सिरोसिस एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि कीड़ा खा लिया तो वो पेट में आ गया और उसके बाद दिमाग में चला गया। ये आमतौर पर कच्चा पत्ता गोभी खाने के कारण होती है। दरअसल पत्ता गोभी खेत में ज़मीन से लगी होती है, फिर अगर कोई जानवर उस पर यूरिन पास करता है या मल त्यागता है तो टेप वॉर्म या अंडे उन पर रह जाते हैं। अब अगर सब्जी अच्छे से साफ ना की जाए तो ये अंडे या टेप वॉर्म पेट में आ जाते हैं और वहाँ से पूरे शरीर के साथ दिमाग और आँखों में फैल जाते हैं। अब बात कितनी खतरनाक है दिमाग में कीड़े मिलने वाली बीमारी। अगर हम बात करें न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस यानी कि कॉमनली जिसे हम कहते हैं पत्ता गोभी से होने वाले इन्फेक्शन से ब्रेन में होने वाली समस्या के बारे में, तो अगर इसका समय पर इलाज ना हो तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। ये कॉमनली जिसे भाषा में हम निर्गी कहते हैं या टेक्निकल वर्ड में हम जिसे एपिलेप्सी कहते हैं, इसकी समस्या हो सकती है। असावधानी से कई चक्कर आ सकते हैं, आँखों के नीचे आपको रोशनी या अंधेरा, इस तरह से नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें कि कितना खतरनाक है तो इसका दूसरा पहलू है इसका इलाज कैसा है। तो इसका इलाज बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप जागरूक हों, समय पर इसका इलाज करवाएं, डॉक्टर्स के पास जाएं, तो इसका अच्छा इलाज संभव है और मॉडर्न चिकित्सा पद्धति में इसका बेहतर तरीके से समाधान हो सकता है। अगर काफ़ी समस्या आगे बढ़ गई है और ब्रेन में सिस्ट बन गए हैं तो शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी के द्वारा इसको रिमूव किया जा सकता है और उसके बाद एपिलेप्सी का मेडिसिन के थ्रू इलाज किया जा सकता है, जो काफ़ी कारगर है। कैसे होता है न्यूरोसिस्टिक सिरोसिस का इलाज? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है जब भी हम केमिकल के द्वारा यानी कि डिफरेंट ड्रग्स के द्वारा इसका समाधान कर सकते हैं। खुद डेफिनेटली इसका इलाज नहीं किया जा सकता, तो जब भी आपको इसके लक्षण मिलें आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं, आपके फैमिली फिजिशियन इसका इलाज करेंगे। एक कॉमन मेडिसिन है एल्बेंडाजोल, जिसको कि डॉक्टर जिसके बारे में निर्धारित करते हैं आपको कितने डोज की ज़रूरत है, जो कि शरीर के वेट के हिसाब से तय होता है और समस्या की गंभीरता के हिसाब से ये बताते हैं कितने दिनों तक इसकी मात्रा दी जाए। तो अपने चिकित्सक के परामर्श से आप दवाइयां ले सकते हैं। दिमाग में कीड़े घुसने वाली बीमारी के लक्षण। अब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, स्टार्टिंग में कई बार लूज मोशन जैसा हो सकता है, पेट में जिसे हम सरल भाषा में पेट में मरोड़ उठना या इस तरह की समस्या कहते हैं, ये समस्या हो सकती है जिसे हम इंग्लिश में स्पाज्म कहते हैं। तो फीवर हो सकता है, बुखार, स्पाज्म हो सकता है यानी कि मरोड़ और स्टोमिक में डिस्कम्फर्ट, कई बार लूज मोशंस भी हो सकते हैं, बॉडी में टायर्डनेस हो सकती है, तो डॉक्टर इसका इलाज करते हैं। अगर ये समस्या इलाज ना हो और संभव इसके वर्म्स हैं ये जाके ब्रेन में अपनी जगह बना लें, तब वहाँ जाके मिर्गी के लक्षण आते हैं, दैट्स एपिलेप्सी, चक्कर आना, मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना। अब आखिर में बात उपाय की। सिर्फ पत्ता गोभी ही नहीं, कोई भी सब्जी जो बिना ठीक से साफ किए और जो बिना अच्छे से पकाए खा ले तो उससे टेप वॉर्म दिमाग में पहुंच सकता है। इसलिए कच्ची सब्जी या सलाद अच्छे से धोकर और अच्छे से ना पकाकर खाने पर इस बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है। कि जब भी हम सब्जियों का प्रयोग खाने के लिए करते हैं तो उनको अच्छी तरह से 2-3 पानी से धुलें और धुलने के बाद अंतिम धुलाई उनका गर्म पानी से करना चाहिए और उनको अच्छी तरह से पकाकर ही प्रयोग करें। अगर आप सलाद में सब्जियों का प्रयोग करना चाहते हो तो जो जड़ वाली सब्जियां हैं उनको प्रयोग करने से पहले उनको पहले छील लें, छीलने के बाद ही उनका सलाद में प्रयोग करें, जिससे कि उनके सतह पर अगर किसी प्रकार के कीड़े या उनके आप जो है अवशेष मौजूद हों तो वो छीलने के दौरान वो बाहर हो जाए और अब सलाद में किसी तरह का कीड़े का प्रकोप ना हो।
तो इस तरह का हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये थी पत्ता गोभी में मिलने वाले कीड़े की पूरी जानकारी। तो अगली बार आप जब भी पत्ता गोभी का इस्तेमाल करें तो उसे पहले अच्छे से साफ कर लें और अच्छे से पका कर ही खाएं। ऐसा कर आप और आपका परिवार दिमाग में होने वाली इस बीमारी से बच सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरी ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहें किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।